सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम वीरू, मैं बताने वाला हूँ कि बिग इमेज क्रिएटर ऐप कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल पर जाके वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि एक स्टूडियो के साथ अपने नेम और जो फोटो है उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिंग इमेज क्रिएटर ऐप आपको आसानी से मिल जाएगा, प्ले स्टोर से वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा आप क्रोम में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से भी जनरेट कर सकते हैं अपनी फोटो को, ठीक है। जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रॉम्प्ट होना चाहिए जो मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके अलावा आप इसमें जान लीजिएगा कि आप अपने कपड़े को, अपने लोकेशन को, बैकग्राउंड को सबको चेंज कर सकते हैं अपने बस प्रॉम्प्ट के माध्यम से, ठीक है। एक दिन में 15 कॉइंस मिलते हैं, 15 कॉइंस को आप एक ही प्रॉम्प्ट को 15 बार यूज कर सकते हैं या फिर अलग अलग प्रॉम्प्ट को 15 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इसमें बताते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा और इसको इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें जो भी चेंजेस करने वाला हूँ वो वीडियो में ही पता चलेगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको चेंजेस पता नहीं चल पाएंगे। तो चलते हैं, फटाफट बताते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले चलते हैं अपने बिंग ऐप में। बिंग ऐप में जैसे ही हम आते हैं हमारे पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले हमको इमेज क्रिएटर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हम इमेज क्रिएटर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है उसमें प्रॉम्प्ट यूज़ करने का, ठीक है। प्रॉम्प्ट यूज़ करने का ऑप्शन आ जाता है, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आ गया है। तो हमने पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ है अपने प्रॉम्प्ट को, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट जैसे ही हम करेंगे उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, तो क्रिएट पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो अब कुछ ही सेकंड में हमारी जो फोटो है जनरेट होकर आ जाएगी। तो इसमें मैं जो भी प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। उसको कॉपी करने के बाद या जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ बस उसी प्रकार से आपको भी यूज़ करना है, बस इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ़ोटोज़ पे क्लिक कर लेना है। फ़ोटोज़ पे जैसे क्लिक करेंगे तो 3 डॉट का ऑप्शन आ गया है, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम अपनी सारी फ़ोटोज़ को आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर बस ये जो स्टूडियो लिखा है इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने के बाद उस सिंपली आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, आपकी जो फोटो है वो जनरेट होने लगेगी। उसके बाद यहाँ पे जो कलर दिया हुआ है कपड़े का, ठीक है, कपड़े का जो कलर दिया हुआ है उसको भी आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो रेड शर्ट एंड ब्लैक शूज़ लिखा हुआ है इसको, शूज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेड लिखा हुआ है कपड़ा उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो आपकी भी जो फोटो है आसानी से बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह की जो फोटो है, कपड़े भी चेंज हो जाएंगे, नेम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास कॉइन्स कितने हैं, ठीक है। कॉइन्स आपके पास रहेंगे तभी फोटो जनरेट होगी, अगर नहीं रहेंगे तो फोटो आपकी नहीं जनरेट होगी, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। इसी तरीके की और वीडियो आई हुई है और भी आती रहेंगी, और पिछले जो वीडियो मैंने बनाए हुए हैं उसमें भी जाके आप अपनी फोटो को जनरेट कर सकते हैं। और इसमें जो आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और दूसरी चीज आपको कि अगर आप किसी वीडियो के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर किसी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ताकि उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन बनाकर आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।